बेंगलुरु में आज उस वक्त हंगामा मच गया है जब एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट के पैर पर हिंदू देवी का टैटू बना देख कुछ लोग भड़क उठे और उस पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाने लगे। दरअसल जिस वक्त ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक के पैर पर लोगों को देवी का टैटू नजर आया, वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। स्थानीय लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई युवक मैट कीथ के पैर पर देवी यलम्मा का टैटू बना देख कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने पुलिस को बुला लिया। मैट कीथ ने पुलिस से शिकायत की है कि उसके साथ बदतमीजी की गई और बेंगलुरु के डीएसपी संदीप पाटिल ने कहा है कि वो इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद एक शख्स ने दावा किया है कि कीथ के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई है, बस उसे समझाने की कोशिश की गई कि किसी ने शरारत में उसके पैर पर देवी का टैटू बना दिया है जो गलत है, वो फुल पैंट पहन ले नहीं तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। देखिए सर, उस दिन कोणार्क होटल में हम गए थे, काफी चाय वगैरह पीने के लिए या दोस्त खाना खाने के लिए जा रहे थे। हम लोग गए नाश्ता कर रहे थे, उस तो हमारा सामने टेबल पे सामने ही फॉरिनर्स ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे थे। वो अंडर चड्डी पहन के बैठे थे, नाश्ता खा लेके वो पाव में हमारा हिंदू का दुर्गा माता का या यलम्मा देवी का फोटो टैटू बना के वो लोग आए थे। या इंडिया में डाल के कोई डाला होगा या किसी ने उनको बोला होगा, उनको क्या है ऑस्ट्रेलिया या फॉरिनर्स को उनको क्या हमारा धर्म और हमारा देश का संस्कृति उनको अच्छा लगा रहेगा, इसीलिए वो लोग वैसा डाल के वो टैटू इधर लगाते हैं, भगवान का पांव में लगाते हैं। उनको मालूम नहीं हमारा भगवान का हिसाब में, उनको मालूम नहीं है। जो उनको गाइड करके इंडिया में लाया और बेंगलोर में लाया, उनको गाइड करना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म का भगवान किधर लगाना कैसा पूजा करना, उनको मालूम रहना चाहिए। जो उनको गाइड करके लेकर आए या बेंगलुरु में रहते हैं या शांतिनगर में रहते हैं, जो शांतिनगर में रहते हैं उनका साथ में रहते हैं, उनका गलत है, वो फॉरिनर्स का गलत नहीं है। फॉरिनर्स को क्या मालूम है भगवान क्या होता है क्या नहीं, उनको मालूम नहीं है। हम ऑब्जेक्ट नहीं किया, उनको रिक्वेस्ट किया, बोला कि आप चड्डी मत पहनिए, वो दिख रहा है रोड में या पूरा चामुंडी या नवरात्रि चल रहा है, ये पीछे गए तो स्लम सभी आता है, आप लोग पैदल में ऐसे ही घूमेंगे तो कुछ लोग पकड़ के कुछ कर देंगे। आपको अच्छे के लिए बोल रहे हैं कि आप निकर जीरा होटल में या घर में रहते हैं, आप जाके सीधा पैंट डाल के आप घूमिए। उनको गाइडेंस किया नहीं, कौन भी दबाव नहीं डाला गया। उनको इतना ही बोला कि आपके अच्छे के लिए हम लोग बोल रहे हैं, वो सिर्फ हम उनका हमारा बात नहीं माने। वो लोग वो इंग्लिश में क्या के शब्द निकाले, उनको जो फॉरेन में शब्द बोलते हैं ना फक गेट सब, ऐसा ही वो लोग बात करे। फिर भी हम शांत रहे, हम खाना खा लेके उधर से फोन 100 को फोन किया, हम पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, ऐसा होटल में बैठा है व्यक्ति ऐसा सबको दिख रहा है। अगर फुटपाथ में घूमेगा, ये पूरा शांतिनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा स्लम में, शांतिनगर असेंबली में 5 वार्ड स्लम में, उधर सभी भगवान बिठाया हुआ है। अगर वो लोग ऐसे घूमेंगे, कोई दूसरा कोई लोग पकड़ के कुछ कर दिया तो हमारा देश का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोला उनको, 100 को फोन किया, बोला कि इनको पैंट डाल के आने को बोलिए, बस उनको भी अच्छा है हमको भी अच्छा है। वो लोग वो ना करके नहीं किया है, सब लोग किया है। वो जो हमारा उनका साथ गाइडेंस कर रहे हैं इंडिया वाले या बेंगलोर वाले या शांति वाले, उनका गलत है, फॉरिनर्स का गलत नहीं है। आपने कंप्लेंट लॉन्च किया? हम लोग कंप्लेंट लॉन्च उनको आदमी हमारा कोई उधर ही पब्लिक हमारा आदमी लिखित में दिया है, ऐसा बाद में ऐसा उनको रिक्वेस्ट करने से वो लोग कुछ गाली दिया है, वो ऐसा लिख के दिया है बस। मामला अभी जो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया उसमें क्या हुआ है कि ये लोग जो फॉरेन नेशनल है एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी उनके पांव में एक बड़ा सा एक टैटू था, एक गॉडेस का टैटू था, तो उसका कुछ लोगों ने वहां पे ऑब्जेक्ट किया है। जब इसको समझ में आया कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, तभी उसने एक लोकल फ्रेंड को फोन करके बुलाया। उसके बाद वहां पर कुछ भीड़ जमा हुआ था, इसलिए लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला, सबको फिर पुलिस स्टेशन लेकर गए। अभी उसके बाद क्या हुआ है स्टेशन में उसके बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं।